गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्यूचर हिस्ट्री। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे। तो प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, रिवोल्ट ऑफ प्रिंस चेन सिंह के बारे में बताया था, बुंदेला रिवोल्ट, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड मध्य प्रदेश, मेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तात्या टोपे, वीरांगना रानी अवंती बाई, राजा शंकर सिंह एंड रघुनाथ शाह एंड ठाकुर रनमास सिंह, इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट है महादेव शास्त्री, सेकेंड है खाजिया नायक एंड भीमा नायक ऑफ बरवानी, थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट, फोर्थ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिफ्थ जनता सत्ताग्रह। तो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, महादेव शास्त्री। महादेव शास्त्री कौन थे? महादेव शास्त्री ऑफ ग्वालियर वॉज गेन पैट्रॉय। महादेव शास्त्री जो थे ग्वालियर के एक महान पैट्रॉय थे, हु ऑल्दो डिड नॉट अपोज द ब्रिटिशर्स बाय वीपन्स बट ही एंड नाना साहब पेशवा एंड देयरफॉर ही वॉज हैंड। शास्त्री क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर इन फेवर ऑफ नाना साहब पेशवा इन ग्वालियर। इट्स ही रिप्लाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ रिवॉल्यूशन टू अदर फ्रीडम फाइटर्स बाय मैसेजेस फॉर नाना शाह पेशवा। इस तरह से मैंने बताया कि ये क्या थे, ये ही वॉज अ फार्मर ग्वालियर, मतलब ग्वालियर से बिलोंग करते थे। ही वर्कड एज मैसेंजर ऑफ नाना साहब पेशवा। ये नाना साहब पेशवा के यहाँ काम भी करते थे मैसेंजर का। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग एट ब्रिटिशर्स इनको 1867 में ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया और इनको हैंग कर दिया गया, उन्हें फांसी से लटका दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ मैं, खाजिया नायक एंड भीमा नायक का बरवानी, ये कौन थे? तो दीज ऑफ मालवा एंड निमदा एरिया वर फ्रीडम लवर्स टू सुप्रेस दैट द ब्रिटिशर्स हैड फॉर्म इन आर्मी कॉल्ड द मालवा बिल ट्रॉप्स। खाजिया एंड भीमा वर वर्किंग इन द आर्मी इन द कैपेसिटी ऑफ नायक अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। दीज टू सोल्जर्स इंक्रीज देयर एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन वरीड बाई देयर एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिशर्स लॉस द कंपेनी टूअर्स देम। खाजिया वॉज किल्ड इन 1860 वाइल भीमा कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल, ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड इन 1867। मालवा और जो नीमद एरिया के जो फील्ड फ्रीडम लवर्स थे उनको क्या किया गया? सुप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मालवा बील क्रॉप्स आर्मी बनाई। क्या बनाई? मालवा बील क्रॉप्स आर्मी बनाई। खाजिया और भीमा इस आर्मी में एज नायक का वर्क करते थे। ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसी के खिलाफ इन सोल्जर्स ने अपोज किया, तब ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट किया। खाजिया वॉज किल्ड इन 1860, भीमा वॉज अरेस्टेड इन 1867। खाजिया को जो था वो 1860 में मार दिया गया एंड भीमा को 1867 में अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में मध्य प्रदेश का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन। नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा? ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। द ट्राइबल्स प्लेड देयर रोल, द रूलिंग फैमिलीज एंड देयर सब्जेक्ट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। द पीजेंट आर
also made their contribution in their own way. Thus, people of our section participated in the non-corporation movement. Civil disobedience, jungle satyagrah, and the movement of 1942. The center of activities of the great revolutionary Chandrasekhar Azad was Orissa. The Red Army of Mangala Bedi to lead as an armed revolution. तो मैंने आपको थोड़ा बताया इसके बारे में कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से लोग रहे. लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी, इन सब ने राष्ट्रीय आंदोलन में पार्ट लिया, हिस्सा लिया. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, मौलाना आजाद वर्दा, लीडर्स हु मोटिवेट द फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में जो भी स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इन सभी लीडर्स ने इसमें भाग लिया और अच्छे से अच्छा वर्क करने की कोशिश की. पंडित रविनाथ शुक्ला, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठाकुर ने राजनाथ सिंह, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया. नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था क्या? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था, ए ग्रेट एंथसाइजिंग वॉज विटनेस्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एमंग पीपल ऑफ आर नॉट ओनली बिग बिजली स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, बट इट वॉज सीन एमंग द पीपल ऑफ स्मॉल स्टेट्स also during the period Gandhiji toured Chindwara, Jabalpur, Khandwa, Sioni. This tour aroused a great national awareness among the people. The people of Madhya Pradesh participated in the non-corporation movement and took part in the activities like movement against consumption of liquor, Tilak Swaraj Fund boycott of foreign cloth, boycott of government school and establishment of national educational institution, handloom industry, etc. The advocates amended their practice, those activists who went to courts wrote Gandhiji camps. National movement jo tha, Gandhiji ne non-corporation movement ke samay उन्होंने छिंदवाड़ा, जबलपुर, खांडवा, सिवनी एक्सेट्रा में विजिट किया एंड लोगों को नेशनल अवेयरनेस के लिए प्रेरित किया. तो जो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, ये गांधी जी ने इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट लिया और गांधी जी इसमें आगे आके इस आंदोलन में भाग लिया. नेक्स्ट टॉपिक है जंदा सत्याग्रह. ये जो हुआ था 1923 में स्टार्ट हुआ था. तो द नेशनल फ्लैग ऑफ अ कंट्री इज द सिंबल ऑफ सोविजनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट. ट्राई कलर विद स्प्रिंग व्हील इन द सेंटर वॉज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल फ्लैग. ड्यूरिंग द 1923 द ब्रिटिशर्स incident with days to honor occurred and the whole national stood for it. Even the British administration had to recognize that fact. This is a golden incident in the history of freedom struggle and is known as Janda Satyagraha. The Congress Party constituted a committee under the leadership of Hakim Ajmal Khan to analyze the extent of mental preparation of the people in favor of the non-corporation movement. Non-corporation movement में जो जनता सत्ता रहता, freedom movement के time में tricolor with spray wheel in the center was having status of national flag. हमारे national flag में तीन तरह के color होते हैं, बीच में एक चक्र होता है, उन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया. इस flag के honor में events हुई थी और इस पूरे नेशन में इसके रिस्पेक्ट को स्टैंड किया गया. तब जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन को इस फ्लैग को रिकॉग्नाइज करना पड़ा, इसे झंडा सत्याग्रह कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? झंडा सत्याग्रह कहते हैं, मतलब झंडा के लिए इसमें आंदोलन.
जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने मिस्टर खान को ऑनर करने के लिए जबलपुर म्यूनिसिपलिटी की बिल्डिंग से इस ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस फ्लैग को निकाल कर इसे पैर से क्रैश कर दिया था। तब नेशन वाइड एग्रीगेशन हुए। पंडित सुंदरलाल सुभाष चौहान ने लीडर ने स्ट्राइक कलर के साथ एक जुलूस निकाला। इस पॉलिसी में सभी को अरेस्ट किया। झंडा मूवमेंट इंडिया का दूसरे पार्ट में फैला। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? फर्स्ट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट द फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ टूरिया जंगल। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ। द फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ टूरिया जंगल। फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ टूरिया जंगल क्या था? ये जो था व्हेन इन 1930 गांधी जी मार्च टू दांडी एंड लेड द नमक सत्याग्रह एट द टाइम ऑफ कांग्रेस वर्क्स ऑफ सियोनी अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गा शंकर मेहता कैरीड आउट द जंगल सत्याग्रह अबाउट 9 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम सिवनी। अ मूवमेंट टू कट ग्रास फ्रॉम द गवर्नमेंट सेंटर वुड गार्डन्स वॉज स्टार्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अबव मूवमेंट। अनदर मूवमेंट टू कट ग्रास इन द जंगल ऑफ डूरिया 28 किलोमीटर्स फ्रॉम सिवनी। इट वॉज प्लान टू एंटर डूरिया जंगल इन 19 अक्टूबर 1930। द पुलिस एंड रेंज ऑफिस इंसल्टेड द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पब्लिक who had assembled there in support of the freedom fighters. The deputy commissioner Sivni ordered police to open fire on them to teach a lesson. On the spot for tribals, etc. This incident is a proof of a fact that the freedom movement spread even among the tribals. 1930 में जब गांधी जी नमक सत्याग्रह को दांडी के लिए लीड किया गया तब सिवनी के कांग्रेस वर्कर्स ने दुर्गा शंकर मेहता की लीडरशिप में जंगल सत्याग्रह जारी किया। सिवनी से 10 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट के सैंडलवुड गार्डन्स में ग्रास कट करने के लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। इसके साथ ही सिवनी में 28 किलोमीटर दूर दुरिया के जंगल में ग्रास काटने का मूवमेंट स्टार्ट किया गया। पुलिस और रेंज ऑफिसर्स ने फ्रीडम फाइटर्स को इंसल्ट किया और डिप्टी पुलिस कमिश्नर सिवनी ने उन पर फायर करने का ऑर्डर किया। स्पॉट ऑफ चार ट्राइबल्स की डेथ हो गई। इसमें क्या हुआ? चार ट्राइबल्स की डेथ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के जो इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे वे कौन कौन से थे? द ग्रेट लीडर चंद्रशेखर आज़ाद। ही पहले जो लीडर थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। ही वॉज बॉर्न इन विलेज भावला ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ही ज्वाइन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द अर्ली एज ऑफ 14 ईयर्स।
When he was arrested, he told in the court of law, Azad as his name, Independence as father name, and Persian as his address. Since then, suffix Azad is added to his name. For the Britishers, Azad's name was the synonym for terror. The credit of arousing a sense of patriotism in people for armed revolution and preparing a generation of revolutionaries goes to Azad. Between the year 1926 to 1931, Azad was associated in almost all the revolutionary activities and associated himself with Evan Handel in the dance of fight against the Britishers and became general official in command of the Indian Socialist Republican Party. He set up his headquarters in a village named Dimapur on the bank of the river Sartar in Jhansi. Chandrasekhar Azad was born in village Bhabra of Ali Rajpur, district of MP, Madhya Pradesh ke jo MP ka district hai Ali Rajpur, वहाँ पर मध्य प्रदेश का जन्म हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का. ही ज्वाइंड द नॉन कॉरपोरेशन इन द अर्ली एज. इन्होंने 14 ईयर्स में नॉन कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया था. जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया. जब इनको अरेस्ट किया गया था तब इन्होंने अपना नाम क्या बताया, आज़ाद बताया. अपने फादर का नाम इंडिपेंडेंस और एड्रेस प्रिजन बताया. इन्होंने अपने फादर का नाम प्रिजन बताया. तब से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम मिला. इनको चंद्रशेखर आज़ाद का नाम मिला. ऑन 23 जुलाई 1931 ए ब्रिटिश ऑफिशियल हेक्सटन अलॉन्ग विद हिज डॉग वर ट्रेवलिंग बाई पंजाब मेल फॉर बॉम्बे इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. थ्री फ्रीडम फाइटर्स यशवंत सिंह ऑफ द मोब, देव नारायण तिवारी ऑफ भुसावर एंड हिज फ्रेंड प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑन रूट ऑफ द रिफ्लिक्स एंड अदर बिलोंगिंग ऑफ दिस ऑफिसर्स. तो मैंने अभी तक आपको कितने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए. फर्स्ट टॉपिक था महादेव शास्त्री, सेकेंड हाजी नायक एंड दिमा नायक अफगानी, थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश की जनरेशन मूवमेंट, फोर्थ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, फिफ्थ झंडा सत्याग्रह, सिक्स द फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ सूर्या चंदा एंड सेवन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट टू एलाइज इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज ऑफ एम. तो मैंने अभी अब तक को जो भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए आपको समझ में आ गए. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा बोर्ड के क्वेश्चंस में इस टॉपिक के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमेशा पूछा जाता है. आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद करना है, लर्न करना है. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी टॉपिक्स अभी आपको समझाए वो आपको समझ में आ गया. आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वॉच करिएगा.